क्या करते हैं 12 कड़ी को और एक बार क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी क्या कीजिए, 12 कड़ी को ध्यान से पढ़ते हुए लिखना है। 12 कड़ी, नहीं गलत है ना, हमें क्या करना है
हमें लगाना है। समझ में आ गया ना? हमें क्या याद रखना है? मात्राओं को, कौन सी मात्रा नीचे लगती है और कौन सी मात्रा ऊपर लगती है और कौन सी मात्रा व्यंजन अक्षर के आगे लगती है। तो दोहराइए इनको, त त टी टी टू टू ते तै तो ताव ताम तहा। तो बच्चों समझ में आ गए ना? आपको ध्यान से क्या करना है? मात्राओं को याद रखते हुए लिखना है। तो चलिए आपकी नोटबुक में, आपकी दो रेखा वाली नोटबुक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, कैसे रेखा को लगाकर लिखते हैं उनके साथ लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपकी दो रेखा वाली नोटबुक है ना, तो उनमें हम क्या करेंगे, कैसे ऊपर की रेखा को लगाकर हम लिखते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपकी दो रेखा की किताब है ना, तो उसमें ऊपर की रेखा से नीचे की रेखा तक हमें क्या करना है, लगाकर लिखना है। तो त के बाद थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है, उसके बाद आ की मात्रा, त थोड़ी सी जगह छोड़कर ई, तो ऊपर की रेखा को लगाकर नीचे की रेखा तक हमें क्या करना है, लगाकर लिखना है। तो टी टी, बड़े ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा हमने पीछे लगाया, बड़े ई की मात्रा को हमने आगे लगाया। टू ऐसे हमें दो बार दोहराना नहीं है, हमारे हिंदी व्याकरण में क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, ऊ की मात्रा को हम इस्तेमाल करते हैं, दो दो अक्षरों को हम दो बार दोहराते नहीं है। इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, इसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर ऊ की मात्रा, इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर ऊ की मात्रा कहते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम देखते हैं री, री की मात्रा, तो इसको हमें क्या करना है, व्यंजन के नीचे लगाना है, इसको री की मात्रा कहते हैं। जब हम बारह कड़ी सीखते रहते हैं तो इस ऊ को क्या करते हैं, लिखते हैं और एक एक बार क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं बारह कड़ी, बारह कड़ी में क्या है, बारह स्वरों को मिलाकर क्या हुआ है, व्यंजन, स्वर में व्यंजन मिलकर उनके मात्रा से बारह कड़ी क्या हुई है, रचित है। तो देखिए, त त टी टी टू टू ते तै तो तव तम
हमने क्या लिखा है, बारह खड़ी लिखा है ना, तो बारह यानी कि री को छोड़कर बाकी अक्षरों को हम क्या कहते हैं, बारह खड़ी कहते हैं। मैं क्या बता रही हूँ आपको समझ में आ गया है ना। एक एक बार हम क्या करते हैं, री को लिखते हुए भी क्यों लिखते हैं, क्योंकि री की मात्रा से शब्द कौन लिखते हैं ना, कृपा कृष, ऐसे शब्दों को हम लिखते हैं वृषभ। उदाहरण के लिए देखिए, कृपा शब्द है ना, तो री की मात्रा है, हम क्या करते हैं री को इस्तेमाल करते हैं। ऋषभ री की मात्रा है, ऐसे शब्द लिखते वक्त हम क्या करते हैं, री की मात्रा को लगाकर क्या करते हैं, हम शब्दों की रचना करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको भी हम याद में रखे, उसको भी हम याद में रख सके, इसीलिए हम क्या करते हैं बारह कड़ी में इसका भी इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, बारह कड़ी को लिखते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं कर लेना है, हमने लिखा या छोड़ दिया उसे गौर में नहीं करना है, क्या ध्यान में रखना है कि बारह कड़ी को लिखते वक्त इसका इस्तेमाल हम कर भी सकते हैं और नहीं भी, हमें ज्यादा अच्छे से याद रहे इसलिए हम क्या करते हैं उसको री को लिखते हैं। अगर मैंने इस अक्षर को छोड़ दिया तो मैंने बारह कड़ी गलत लिख दी, ये नहीं है, ये नहीं समझना है, मैंने इस अक्षर को छोड़ दिया, जिस आपने कल री को लिखा आज की अवधि में आपने री को नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। क्यों हम उसको लिखते हैं, उसको याद रखने के लिए, उसके शब्द जब हम लिखते रहते हैं तब हमें आसानी हो, इसलिए हम क्या करते हैं उसको भी बारह कड़ी में लिखते हुए उसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो समझ में आ गया है ना, इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों को जब हम लिखते रहते हैं वहां पर हमें ए री की मात्रा झट से याद आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं। तो मेरे सामने हेडिंग बारह कड़ी लिखा और तेरह अक्षरों को लिखा है, ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं कर लेना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो ध्यान में रखिए। तो री की मात्रा को हम क्या करते हैं, शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हमें आसानी हो, इसलिए हम क्या करते हैं उसको भी बारह कड़ी के साथ साथ क्या करते हैं सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की बारह कड़ी को हम क्या करेंगे, लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो ट के बाद अगला अक्षर हमारा कौन सा है, थ।
कठो के बाद थाओ, थाओ के बाद थाम, थाम के बाद तहा, तो त था, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठाई, ठो ठा ठा, तहा, तो समझ में आ गया ना? तो अगले बराबर कौन से है हमारे? द, तो डोड़ा के बराबर कौन हो रहा है? तो चलिए मेरे साथ आप भी क्या कीजिए, पढ़ते हुए लिखिए। अगला वर्ण अक्षर कौन सा है? वेरी गुड, द, तो द के बाद डा, डा के बाद ई की मात्रा डी, डी, डू, do, de, die, do, down, down, daha। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि बारह कड़ी को हमें पढ़ते हुए मात्राओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? लिखते हुए, पढ़ते हुए हमें लिखना है। तो द, डा, डी, डी, डू, डू, दे, दई, डो, डा, दा, दा, तो हम क्या करते रहते हैं? जब भी लिखते रहते हैं थोड़ी सी गलती करते रहते हैं ना, तो हम लिखते हैं दे, दा, दी, दी, दू, 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 दे, दे, दै, डो, डो, डाउ, डाम, दहा। तो ए मैंने यहाँ पर लिखा है, जब भी हम लिखते रहते हैं वहां पर क्या गलती करते रहते हैं उसको हमें दोहराना नहीं है। हमें क्या याद रखना है? कभी भी दो दूर दूर एक प्रकार के नहीं लिखते हैं। एक छोटे ऊ की मात्रा के बाद हम क्या करते हैं? बड़े ऊ की मात्रा को लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सिर्फ एक डे को हम लिखते हैं, दो डे डे को हमें नहीं दोहराना है। उसके बाद डई, तो डो डो, हमें दो दो डो को नहीं लिखना है। क्या करना है? सिर्फ एक डो को हमें क्या करना है? लिखना है। तो हम ऐसे दो दो वर्णों को दोहराते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा बारह कड़ी का क्रम गलत हो जाएगा। हम कहां पर लिखते हैं ऐसे दो दो अक्षरों को दोहराने का? कन्नड़ के गुणिताक्षर जो लिखते रहते हैं वहां पर हम दो दो अक्षरों को इस्तेमाल करते हैं, मगर हिंदी में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक डू और एक बड़ा डू, उसके बाद एक ही डे को हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दई,
डो डाउ दो दो अक्षरों को हम दो बार दोहराते नहीं है। इस बात को हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो क्या करना है, दो दो अक्षरों को दो बार हमें नहीं लिखना है। इस बात को हमेशा क्या करना है, याद में रखना है। तो अब हमारा क्रम सही हो गया है ना। तो दोहराइए, क द डा डी डी डू डू डे डई डो डा डा डहा। तो इस अंतर को हमें याद में रखना है कि हमें दो दो डे डे और दो दो डो डो को नहीं लिखना है, याद में हमेशा रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धाव धाम दहा। तो त और थ हम यहाँ पर क्या करते हैं, गलतियां करते रहते हैं। तो ये बन गया हमारा त, इसको ऐसा थोड़ा द कर ले तो ध बन गया। त और ध, हमें ध की जगह में त नहीं लिखना है, त की जगह में ध नहीं लिखना है। इन दोनों अक्षरों को क्या करना है, याद में रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, त, और इसको क्या कहते हैं, ध। तो आपको अंतर याद में रखना है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर गोल हमने नहीं किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम त की जैसे लिख कर ऐसे गोल करेंगे तो क्या होता है, वह हुआ ढ। तो इस बात का हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है दोनों में। और मैंने बताया थ, तो जब भी लिखते रहते हैं हमें ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको इस बात को याद रखना है, हमारा बड़ा थ ऐसे लिखना है और त और ध, इन दोनों में अंतर हमें समझना है। सही क्रम में हमें क्या करना है, लिखना है। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमने ध को देखा, अब चलिए न।
हमने क्या किया, ध और ध के हमने 12 कड़ी को लिखा। तो अगला है न, न। तो देखिए जब भी हम लिखते हैं न, इसको हम प कहते हैं और इसको न। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, याद में रखना है यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस अक्षर को बीच में थोड़ा सा जगह छोड़े रहते हैं, न जब हम लिखते हैं हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प हो जाएगा ना। तो न को हमें क्या करना है, जब न लिखते रहते हैं उसके न में यहाँ पर अंतर रहता है, इसे हमें समझना है। अगर हम उसको लगाकर ही लिखेंगे तो वह क्या कहलाता है, प कहलाता है। तो इन दोनों में हमें हमेशा याद रखना है, वहां पर हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर समझते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, नोना की जगह ऐसे लिखने तो को पा ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो न हमें याद रखना है ना, ये इस अक्षर के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्थान छोड़कर रेखा खींचनी है, स्ट्रेट लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर मध्य में हमें थोड़ा सा जगह को छोड़ना है। तो प जब लिखते रहते हैं तो उसको लगा कर ये हम स्ट्रेट लाइन जो डालते हैं वो हर अक्षर क्या कहलाता है, प कहलाता है। तो इन दोनों अक्षरों में हमें कंफ्यूजन नहीं कर लेना है, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से क्या करना है, वर्णों को पहचानना है और लिखना है। चलिए न, नाम, नीम, नीम, नू, नू, ने, नू नू नो, हमें नो री की मात्रा को हमें लगाना है ना, नो ने के बाद आए। छोटे छोटे गलतियां को हमें क्या करना है,
नहीं करना है, हमें सही क्रम में क्या करना है, लिखना है। तो औ की मात्रा लगाना है ना कि हमें अम की मात्रा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, औ की मात्रा नौ के बाद नाउ, अम की मात्रा नहीं, औ की मात्रा नाउ। समझ में आ रहा है ना, नाउ के बाद कीजिए ध्यान से, वर्णमाला 12 अक्षर को हम
पढ़ते हुए लिखना है। तो बच्चों आज के अवधि में सिर्फ इतना ही, कल के अवधि में हम क्या करेंगे, तीन अक्षर वाले शब्दों की चर्चा करते हुए और बारह कड़ी में जो जो समस्या होती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डाउट को क्लेरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के अवधि में क्या करती हूँ, यही पर समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।